तो गाइस आज सुबह सुबह बन रही है मैगी, तो आज नाश्ता करेंगे मैगी का। गुड मॉर्निंग पाखी, कितनी देर में क्यों उठ रहे हो? नींद आ रही थी? अच्छा, गंदी बात। हेलो एंड गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत करता हूँ मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है अजय फ्रॉम विकी 04। सो गाइस, आज मैंने स्टार्ट किया ब्लॉग बाहर से, क्योंकि आज बाहर चल रही है ठंडी ठंडी हवा, और यार अब गर्मी लगने लग गई है तो ठंडी हवा की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो गाइस, अभी मैंने हाथ मुँह नहीं धोया है, और ये मेरी भतीजी भी लेट में उठ रही है। देखो, गंदी लड़की, गंदी लड़की ना, तो नहीं ये कह रही है। तो गाइस चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का दिन। और अभी फिलहाल मैं जाऊँगा मुँह हाथ धोने, और उसके बाद चाय पीऊँगा मस्त वाली चाय। गाइस मैंने आजकल कम कर दिया, मैं सिर्फ दो चाय पी रहा हूँ, एक सुबह और एक शाम को। तो अभी जल्दी से जाते हैं और फ्रेश हो लेते हैं, फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। तो गाइस यहाँ पर हमारा डांस चल रहा है, तो अब हम डांस करेंगे, तो मैं भी करता डांस हो गया है, बच्चे करेंगे डांस। तो मैं जाता हूँ यार यहाँ से, बच्चों को करने दो डांस, बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, कल की तैयारी कर रहे हैं होली की। तो चलते हैं गाइस, मैं जाता हूँ और फ्रेश हो लेता हूँ, और ज्यादा प्यार बरस रहा है मेरे दिल से। तो आप ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें भाई के चैनल को। अभी मेरे कोल्ड ड्रिंक मंगवाई है नीचे से, मेरे दोस्त घोड़े पे आ रहे हैं। कॉल आ गई थी इसकी कि भैया आ जाओ, कोल्ड ड्रिंक पीएंगे और समोसे खाएंगे। तो मैंने कहा कैसी बातें कर रहे हैं, और इसके चक्कर में मैंने मुंह नहीं धोया। और एक भाई और आ चुके हमारे, भैया आपका नाम क्या है? महाकाल नीरज भाई आ चुके हैं। तो अभी हम चारों मिलके एंजॉय करेंगे समोसों को और खाएंगे। तो चलिए समोसे खाते हैं और मिलते हैं आपसे। और मुझे भैया के ब्लॉग बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं, ये भाई बहुत अच्छे बनाते हैं। ये काफी ज्यादा इनको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप सब्सक्राइब करोगे गाइस, इसलिए ये मैं थोड़ा सा मक्खन लगा रहा है, घी लगा रहा हूँ। लेकिन आप भाई के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, भाई के चैनल का नाम है अजय आलिया ऑफिशियल। ओके, थैंक यू सो मच गाइस, सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं समोसे खाने के बाद। ओके, गर्मा गर्म समोसे, और देखो हरी चटनी, लाजवाब चटनी है हरी चटनी। समोसे के साथ चटनी खाने में बहुत मजा आता है, तो खाते हैं। महंग भाई तो लग गए यहाँ खाने में, मेरा भाई अजय भी लग गया है खाने में यहाँ पर। अब ये भाई नहीं खाते हैं, ये अपनी डाइट कॉन्शियस है, तो बहुत अच्छी बात है। समोसे नहीं खाने चाहिए भैया, लेकिन कभी कभी खा लेने चाहिए। तो चलिए गाइस, एंजॉय करता हूँ मैं भी समोसों को, और चिढ़ाऊंगा नहीं आपको, ऐसे ही खाऊंगा। तो गाइस मैं अभी जा रहा हूँ मार्केट, क्योंकि मेरे फूफा जी हैं, उनकी थोड़ी तबीयत खराब है, तो उनको दिखाने जा रहे हैं, मैं और दादा जाएंगे। तो अभी मैं नहा धो के रेडी हो गया था, तो दादा की कॉल आई कि चलना है, चलते हैं और फूफा जी को दिखाते हैं। तो गाइज अभी मैं आ चुका हूँ अपने भाभी लोगों के घर पे, यानी कि दादा जहाँ पर आए हैं। तो यहाँ से फूफा जी के साथ जाएंगे हॉस्पिटल और उनको दिखाएंगे। तो फ्रेंड्स, गेट खुला है, मेरे मेरे भाई ने मेरा काफी आओ कम चलो नमस्ते, ये है मेरा भाई लक्की। तो गाइस अभी हम हैं हॉस्पिटल में, और डॉक्टर साहब थोड़ी देर में आ रहे हैं, और डॉक्टर साहब के आने के बाद फूफा जी को दिखा देंगे। तो फिलहाल गाइस थोड़ा सा वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं डॉक्टर साहब का, काफ़ी अच्छे डॉक्टर हैं। तो जैसे ही वो आते हैं उनको दिखाते हैं, तो अभी उनका वेट करते हैं। जो आप खाओगे भूसा ले लेना, रात दो हमारा रसगुल्ला आ गया, खाएंगे आप? लेते हैं दो पीस हैं इसमें, हैवी हो जाएंगे। तो गाइज अभी हम आए हैं कमल स्वीट्स में, अभी नया इनका रेस्टोरेंट खुला हुआ है, तो काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ है यहाँ पर। पहले हम बाज़ार में जाते थे, लेकिन अब यहाँ खुल गया है स्टेडियम रोड के जस्ट सामने। तो अभी हम यहाँ पर आए हैं, एक रसगुल्ला ऑर्डर किया है, और अभी एक डोसा ऑर्डर किया है, तो वो खाते हैं उसके बाद चलते हैं। तो फिलहाल खाते हैं फिर चलते हैं। काफ़ी अच्छा बना रखा है, काफ़ी साफ सुथरा, काफ़ी स्वच्छ ये है हमारे दादा। नमकीन की फैसिलिटीज गाइस, आप लोग भी आइए यहाँ पर और खाइए, काफ़ी अच्छा और टेस्टी बना रखा है, तो आप ट्राई कर सकते हैं। मैं रसगुल्ले खाता हूँ, फिर मिलता हूँ आपसे।
तो गाइज ये आ गया हमारा डोसा और दादा खाएंगे डोसा, मैं भी खाऊंगा साथ में, ऐसा नहीं है, बहुत बड़ा डोसा है तो इसको अकेले थोड़ी खाओगे आप। डोसा इनका गाइज काफ़ी अच्छा है, आप देख सकते हैं मैंने और दादा ने मिलकर खा रहे हैं। अगर आप एक मंगाते हैं तो आप एक के साथ दो लोग खा सकते हो, तो आप कभी भी ट्राई करिएगा यहाँ पर। और डोसा अगर आप सिंगल भी मंगाएंगे तो दो लोग आराम से खा सकते हैं। अभी तो अभी काफ़ी हम लोग खा रहे हैं, हैवी है, इसके अंदर जो आलू की स्टफिंग है काफ़ी अच्छी है, तो खाते हैं हम। तो गाइस खा लिया हमने और अब हम निकलते हैं बाजार को, क्योंकि यहाँ से सीधे हमने जाने बाजार, तो बाजार में बाजार निकलते हैं, थोड़ा सामान लेना है, शूज़ खरीदना है दादा ने, तो मिलते हैं आपसे सीधे बाजार में। और गाइस काफ़ी अच्छा खाना था, आप यहाँ आके ट्राई करिए, टेस्ट भी काफ़ी बढ़िया था, तो आप जरूर ट्राई करिएगा। बाजार में आज काफ़ी भीड़ है गाइस, बहुत ज़्यादा भीड़ है आज, जैसे कल काफ़ी हल्का था मार्केट लेकिन आज बहुत फुल भरा हुआ है, आप देख सकते हो भीड़। तो गाइस हम जा रहे हैं हल्द्वानी की बोटिया मार्केट यानी कि मटर गली में, और भीड़ तो मार्केट में आज बहुत ज़्यादा है गाइस, कल के अकॉर्डिंग कल बहुत कम भीड़ थी, आज काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। तो हम मटर गली में एंट्री कर चुके हैं, तो गाइस दादा कर रहे हैं अभी चप्पल की शॉपिंग, समझ में नहीं आ रहा, कंफ्यूज है काफ़ी, क्योंकि दो चार वैरायटी दिखा दी है और जब दो चार वैरायटी सामने होती है तो आप कंफ्यूज हो जाते हो टोटली, तो दादा अभी कंफ्यूज हो गए हैं, तो देखते हैं अभी कौन सी छाटते हैं। फिलहाल पैर की वजह से तो दादा थोड़ा सा दिक्कत हो रही थी, दादा का नंबर 6 है और 6 नंबर बहुत कम मिलता है, तो देख रहे हैं दादा। तो गाइस मैं घर पे आ चुका हूँ और जस्ट अभी पहुँचा, और आज मैंने मार्केट थोड़ा सा एक्सप्लोर किया, ज़्यादा नहीं किया क्योंकि कल मैं आपको मार्केट का हाल दिखाई चुका था गाइस, लेकिन आज गाइस काफ़ी भीड़ थी, काफ़ी अच्छी थी, तो बहुत अच्छा लगा देख के कि हमारे जो व्यापारी भाई हैं उन लोगों की आज बिक्री हुई होगी। तो थोड़ा सा अगर बाजार में भीड़ रहे, ग्राहक आए, तो दुकानदार जो होते हैं उनको अच्छा लगता है और फीलिंग भी आती है कि हाँ यार त्यौहार है और त्यौहार में ऐसा होना चाहिए। तो गाइस अभी जस्ट मैं पहुँचा हूँ और अभी पानी पीऊँगा, नीचे जाऊँगा, थोड़ा चेंज करता हूँ। तो गाइज आज का ब्लॉग जो है मैं यहीं पे एंड करता हूँ, अगर आपको आज का ब्लॉग पसंद आया है, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। और गाइज कल है छोटी होली, तो आपको एडवांस में छोटी होली की बधाइयाँ और ढेर सारी शुभकामनाएं। तो गाइज मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड बी हैप्पी, बी ब्राइट।